हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। करंटली हम पेपर बी का जो 11th चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए बता दूं, इस पे मैं आपके लिए कोर्सेज लेके आती हूँ, स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी के सोशियोलॉजी के। सोशियोलॉजी पेपर ए हमारा कवर हो गया है। करंटली हम नितिन सांगवान एसेंशियल सोशियोलॉजी की जो बुक है सर की, नितिन सर की, उसके वीडियोस में लेके आ रही हूँ। आने वाले टाइम में इग्नू रिलेवेंट मटेरियल, विजन आईएएस की जो चेक्ड आंसर कॉपीज हैं उनका डिस्कशन, आंसर राइटिंग, वो सारा इन इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। सो इन केस यू डोंट वांट टू मिस दीज थिंग्स, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पेपर ए हमारा कंप्लीट हो गया है नितिन सर का, उसकी स्पेशल, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरी चैनल पे। एंड करंटली हम पेपर बी का 11th चैप्टर कर रहे हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर है इसीलिए टाइम लग गया, ठीक है। तो अगर आपको लेटेस्ट एडिशन का पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे पेस्ट कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, वो आप ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ जितना हमने अभी तक पढ़ा है सारा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरे को सुपर थैंक्स भेजना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में वो हार्ट के अंदर डॉलर साइन वाला जो सिंबल है वहां से आप सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। या सिंस दिस वर्क इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइज, अगर आप चाहें तो आप वॉलंटियरली भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको मेरा यूपीआई आईडी चैनल के डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ भी यूपीआई आईडी मेरा दिख सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आज देखते हैं हमें किस टॉपिक से स्टार्ट करना है, ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया। सिंपल टॉपिक है, ज्योग्राफी में भी आपने ये सारे टर्म्स सुने होंगे, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन, ये सारे टर्म्स जो है हम जनरल स्टडीज में कहीं ना कहीं सुन लेते हैं, तो यहाँ पे उसको थोड़ा हम सोशियोलॉजिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर सिंपल वर्ड्स में आप देखें तो प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन क्या होता है, ये सिंपली आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है सिटीज का एंड टाउन्स का, ठीक है। वहां पर जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है, सिंपल टर्म्स में आप उसको अर्बनाइजेशन बोलोगे। एंड जो सेंसस है 2011 का, उसने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखा है अर्बन एरियाज को डिफाइन करने का, कि किस एरिया को आप कैटेगराइज कर सकते हो एज अर्बन एरिया। और वो क्राइटेरिया क्या है कि पॉपुलेशन जहां की मोर देन 5000 हो, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ओवर 4000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, दैट मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब हुआ, पर स्क्वायर किलोमीटर पे आपको 400 पर्सन जो है वो मिलेंगे। एंड 75% ऑफ वहां के जो मेल पॉपुलेशन है दे एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो इनको कैटेगराइज किया है एज अर्बन एरियाज। अब अगर एग्जाम में इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, अर्बन रिलेटेड, अर्बनाइजेशन, अर्बन सेटलमेंट, तो आप डेफिनेशन में, इंट्रोडक्शन में आप सेंसस को मेंशन करके ये इसका क्राइटेरिया जो है वो वहां पे लिख सकते हैं। ये आपका अच्छा खासा एक इंट्रोडक्शन आंसर्स का बन सकता है। सोशियोलॉजिकली अगर आप देखना चाहो अर्बनाइजेशन क्या होता है, एक तो हमने ये देखा, ये हमें पता है कि सिटीज एंड टाउन्स है वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर आप इसको दूसरे एंगल से भी एनालाइज करो, जहां आपका रूरल एरिया है, आपका कंट्री साइड, जब वहां पे अर्बन वे ऑफ लाइफ जो है, चाहे वो वहां का मटेरियल कल्चर हो या नॉन मटेरियल कल्चर, दैट मीन्स वैसी बिल्डिंग्स, वही कार्स, या नॉन मटेरियल में आ गया उनका बिहेवियर, उनका लाइफ स्टाइल, उनका पैटर्न ऑफ लिविंग, ठीक है, वो सारी चीजें जब एक अर्बन एरिया की रूरल में आने लगी, तो उसको भी आप सोशियोलॉजिकली अर्बनाइजेशन से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, दस द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन जो है ये डेमोग्राफिक भी है एंड सोशल डायमेंशन भी हैं इसके, क्योंकि हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोशल डायमेंशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेमोग्राफिक, डेमोस मीन्स पॉपुलेशन, डेमोस एक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है पॉपुलेशन। तो जब आप अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हो, इसमें ये बात तो आ गई पॉपुलेशन ग्रोथ की, साथ में एक सोशल डायमेंशन भी आ गया। वो क्या डायमेंशन आ गया कि एक मटेरियल नॉन मटेरियल कल्चर शहरों का आपके कंट्री साइड में परकुलेट हो रहा है, दैट मीन्स कंट्री साइड में क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। लुई बर्थ ने कहा था अर्बनिज्म को एज अ वे ऑफ लाइफ, उसमें वो बोलते हैं सिटी इफेक्ट्स एरियाज वाइडर देन सिटी इटसेल्फ, ठीक है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो सिटी है उसका जो इम्पैक्ट है वो काफी फैला हुआ है। लुई वर्थ जो है इन्होंने कहा था अर्बनिज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, ठीक है, इस पे इन्होंने काफी ज्यादा आर्टिकल्स भी लिखे हैं, यही यहाँ पे आगे लिखा हुआ है। Urbanism as a way of life is not peculiar to city dwellers alone, as the influences of the city, that is the impact जो है वो काफी ज्यादा फैला हुआ है beyond its administrative boundaries, ठीक है। तो जो boundary allocate की गई है किसी एक city को, जरूरी नहीं उसका impact उतने में ही रहे, वो काफी फैला हुआ होता है। तो ये सारे जो points यहाँ पे, ये काफी अच्छा content बनाते हैं आपके answer के लिए। ये लुई वर्थ ने थोड़ा urban way of life पे क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था Described city life in terms of certain features and characteristics which are unique to urban life.
ये कौन से फीचर्स हो गए, नंबर डेंसिटी एंड हेटेरोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कि उनके नंबर्स कितने हैं, डेंसिटी एंड हेटेरोजेनिटी, इन तीन बातों पे उन्होंने कैटेगराइज किया था अर्बन लाइफ को। बाद में इनको क्रिटिसाइज भी किया था कि इन्होंने क्या किया था, पूरे एक अर्बनाइज्म अर्बनिज्म या अर्बनाइजेशन अर्बन लाइफ को बहुत ही नैरो एक व्यू में रिप्रेजेंट किया था। क्योंकि हमने अर्बनाइजेशन में पढ़ा कि अर्बनाइजेशन ये भी होता है रूरल एरियाज में, जब आपका नॉन मटेरियल मटेरियल कल्चर अर्बन वे से आके स्प्रेड हो जाता है। ठीक, आगे देख लो, द इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 अंडरलाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, क्योंकि उसमें कोट किया गया था एक फेमस डेमोग्राफर को, जेन जेकब्स, उन्होंने कहा था सिटी नॉट नेशन स्टेट्स आर द मेन प्लेयर्स इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पता है सारी इकोनॉमी आपकी, ठीक, एंड नेशन स्टेट्स यहाँ पे आप समझ लो एक पॉलिटिकल यूनिट, मतलब जब हम एक स्टेट को या एक कंट्री को, एक स्टेट यहाँ पे ले लो, एक रीजन एक एरिया को पॉलिटिकली उसकी बात करते हैं या पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक नेशन स्टेट को या किसी सिटी को, तो वो आपकी इकोनॉमी में उतना पार्ट नहीं प्ले करता है। इकोनॉमी आपका रिलेटेड होता है आपके सिटीज से, ठीक है, क्योंकि सिटीज मतलब लोगों का रहना, एक कमर्शियल एस्पेक्ट दिया हुआ है। दैट मीन्स सिटीज जो एक कमर्शियली रिलेटेड जहाँ पे लोग काम करते हैं वो आपका जो है मेन प्लेयर होता है इकोनॉमी में, एंड ना कि सिटी एज अ पॉलिटिकल यूनिट। ठीक है, तो सिटी एज अ कमर्शियल यूनिट काफी ज्यादा आपके इकोनॉमी में रोल प्ले करता है। अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया जो है वो पहले से थी, हरप्पन रिलिक्स आर अ टेस्टिमनी टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, को पहली मॉडर्न सिविलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी जो अर्बन सेटलमेंट थी वो प्रेजेंट थी। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा चाहे उनका ड्रेनेज सिस्टम हो, ठीक है, उनकी सफाई हो, उनका पैटर्न हो, कैसे उनके ग्रिड वे में कैसे मकान क्या करके कैसे होते थे, टाउन प्लानिंग हो, ये सारी चीजें जो है काफी हमने पढ़ी हुई है, और हमें पता है कि अर्बन सेटलमेंट जो है इंडस वैली से ही यहाँ पे प्रेजेंट थी। ठीक है, और अर्बन सेंटर उसके बाद जब मुगल्स आए थे वहां पे भी अर्बन सेंटर्स थे। ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड वर ऑफ द ग्लोबल रिप्यूट एज सेंटर्स ऑफ द ट्रेड, तो उस टाइम पे हमारा ट्रेड जो है फॉरेन कंट्रीज के साथ भी होता था, आपका ईरान अफगानिस्तान वगैरह तुर्कमेनिस्तान के साथ भी। ठीक है, तो अर्बन सेंटर्स उस टाइम पे भी थे, लेकिन जब हम एक्चुअली अर्बन पीरियड या अर्बन कॉलोनीज या अर्बन सेटलमेंट की बात करते हैं तो यूजली हम उसको इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल एंड उनकी ट्रेड प्रैक्टिस जो है उसको उसके साथ एसोसिएट करते हैं। मेनी अर्बन सेंटर्स इन इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड वर ऑल्सो ऑफ ग्लोबल रिप्यूट, ऐसे हो गया। मेनी रूलर्स इंक्लूडिंग चोला मुगल्स etc. also promoted many urban areas with the establishment of new capital cities and trade centers, but represent urban settlements. But present urban settlements जो हैं आज की वो result है impact of colonial rule and उनकी trade practices as well as the policies of the government of the independent India. तो आज की जो हमारी urban settlements है उसको हम करते हैं बोलते हैं वो impact है किसका, आपके colonial rule का, और जो बाद में independence मिली उसके बाद government ने क्या किया उनको promote करने के लिए उसका। जो अर्बनाइजेशन है इन द कॉलोनियल पीरियड सॉ द डिक्लाइन ऑफ सम ऑफ द अर्लियर अर्बन सेंटर्स एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू कॉलोनियल सिटीज। ठीक, वो क्या क्या कौन से डिक्लाइन हो गई, पहले कोलकाता पहले वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ सच पोर्ट सिटीज अपार्ट फ्रॉम मद्रास नाउ चेन्नई एंड बॉम्बे नाउ मुंबई। ठीक है, मेनी अर्बन हिल स्टेशन जो थे उनको भी डेवलप किया गया था, हिल स्टेशन को भी। कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, कुछ पुराने अर्बन सेंटर जो मुगल्स के टाइम पे थे वो डिक्लाइन हो गए और कुछ नए अर्बन सेंटर जो है वो इमर्ज हुए। ठीक है, जस्ट एज मैन्युफैक्चरिंग बूम्ड इन ब्रिटेन, जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन सिल्क फ्रॉम इंडिया डिक्लाइन इन द फेस ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मिल्स ऑफ मैनचेस्टर। ठीक है, जैसे वहां मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई तो यहाँ से जो कॉटन और सिल्क वो लेते थे उसके बाद उसका वो थोड़ा डाउनफॉल आ गया, क्योंकि काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन उनको फेस करना पड़ा लंडन मैनचेस्टर जो वहां की मिल्स है उनसे, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग जो है ब्रिटेन में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी तो यहाँ के उनको कॉटन सिल्क की जरूरत नहीं थी एंड उनको कॉटन सिल्क जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे वो जो कंपीटिंग माहौल था ब्रिटेन का वहां का। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ फर्दर डिक्लाइन ऑफ सिटीज सच एज सूरत मसूलीपट्टनम वाइल बॉम्बे एंड मद्रास ग्रेव। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पुराने अर्बन सेंटर्स डिक्लाइन हो गए नए इमर्ज हुए। ओवर द इयर्स देयर हैज बीन अ स्टेडी इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया फ्रॉम 1729% इन 1951 टू अराउंड 31% इन 2011 सेंसस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है, कुछ आप समझाने वाला नहीं है, वो आप देख लोगे खुद ही। In 2011 census, for the first time, the absolute increase in the urban population was more than the rural population. ठीक है, तो कहने का मतलब जो है urban area, urban population जो है, area नहीं population जो है वो काफी ज्यादा increase हो रही है। Globally जो urban population है surpass rural population in 2007. As per the world first city report 2016, urbanization and development
ये रिपोर्ट का नाम है बाय यूएन हैबिटेट, इंडिया जो है ये ऐड करेगा अनदर 300 मिलियन टू द अर्बन पॉपुलेशन बाय 2050 एंड एज अ रिजल्ट अर्बन पॉपुलेशन विल बिकम 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट बाय दैट टाइम। तो जो अर्बन पॉपुलेशन है इसके कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं, आने वाले टाइम में ज्यादा इंक्रीज ही आपको देखने को मिलेगी। हाउएवर जो ग्रोथ है अर्बन सेंटर्स की इन इंडिया हैज बीन अनइवन, ठीक है, जो ग्रोथ है वो अनइवन है। कैसे अनइवन है? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन जो वो हेफोजेटिकली इंक्रीज हो रही है, क्या मतलब हुआ उसका कि अगर वो आपकी जो रिसोर्सेज यूज होते हैं, इन पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो जाएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होना चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर हर कोई कार्स लेगा, ठीक है, तो कार को ड्राइव करने के लिए वैसी सड़कें होनी चाहिए ना आपके पास। ऐसा नहीं है सड़क आपकी उतनी है, सबके पास गाड़ियां हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही यहाँ पे देखने को मिलता है। इवन टूडे मोर देन 2/3 ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन लार्ज अर्बन एग्लोमेरेट्स विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 मिलियन, ठीक है। अब अर्बन एग्लोमेरेट क्या होता है? जब छोटी छोटी सिटीज में रह के आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो बाउंड्रीज है वो खत्म होने लगती है और एक बिग अर्बन एरिया बनाती है, बिग अर्बन एरिया। तो 1/3 ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन जो है ऐसे ही लार्ज अर्बन एग्लोमेरेट्स में रहता है। इट इम्प्लाइज दैट इंडिया हैज साइमल्टेनियसली विटनेस्ड बोथ अंडर अर्बनाइजेशन एज द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल लिव इन रूरल एरियाज, ठीक है, एंड ओवर अर्बनाइजेशन एज द सिटीज आर ओवर क्राउडेड एंड सफर फ्रॉम मेलेडीज विच आर टिपिकल ऑफ ओवर अंडर विच आर टिपिकल ऑफ ओवर अर्बनाइज एरियाज हैबिटेट्स। देखो ओवर एंड अंडर अर्बनाइजेशन क्या होता है? ओवर अर्बनाइजेशन हो गया जब सिटीज बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ जाती हैं, लेकिन बाद में वहां किस चीज की प्रॉब्लम आएगी? क्राउड ज्यादा हो जाएगा। अब जितनी सिटीज बढ़ रही हैं ट्रैफिक जाम उतना होगा, पोल्यूशन उतनी होगी, ठीक है, उतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है जितनी आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। ऑन द अदर हैंड अंडर अर्बनाइजेशन होता है जब सिटीज जो है दे डोंट ग्रो इनफ नीड द नीड ऑफ द पीपल लिविंग देयर, ठीक है। सिटीज में आपको जॉब्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो लिविंग कंडीशंस नहीं है फाइन जो सस्टेन कर सके वहां के लोगों को अच्छे से, तो पुअर लिविंग कंडीशंस में लोग रह रहे हैं, दैट इज अंडर अर्बनाइजेशन एंड द अदर वन इज ओवर अर्बनाइजेशन, फाइन। तो इंडिया में क्या हो रहा है? अंडर अर्बनाइजेशन मेजोरिटी भी जो है में रह रहे हैं, ओवर अर्बनाइजेशन भी हो रही है। रॉबर्ट रेडफील्ड मिल्टन सिंगर जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया था सिटी को एज अ सेंटर ऑफ कल्चरल इनोवेशन डिफ्यूजन प्रोग्रेस और क्लासिफाई किया प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन को इनटू टू कैटेगरीज। वो क्या क्या है? प्राइमरी अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है? स्प्रेड स्प्रेडिंग द वैल्यूज ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन, दैट मींस आपके जो अर्बन वैल्यूज हैं, अर्बन ट्रेडिशन जो है आपको ट्रेडिशन हमने पढ़ रहा है ओरिएंटल ट्रेडिशन, ठीक है, वो स्प्रेड हो रहा है। जैसे मैंने कहा सिटीज जो है उनके अंदर का जो इम्पैक्ट है सिर्फ सिटीज में नहीं रहता है, वो डिफ्यूज वो स्प्रेड हो जाता है। एंड सेकेंडरी अर्बनाइजेशन विच लीड्स टू शेडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रेडिशन एंड हेंस आल्सो डिसइंटीग्रेटेड, कोई स्प्रेड हो रही है जैसे रूरल एरियाज में अर्बनिज्म या अर्बन कल्चर कोई स्प्रेड होता है तो जो खासकर हमारी नई जनरेशन है वो रेडिली उसको एक्सेप्ट करते हैं गांव में भी, तो आपका जो रूरल ट्रेडिशन है उसका क्या हो रहा है? वो ओवरशैडो हो रहा है, ठीक है, वो फॉलो करने वाला कोई नहीं बचा क्योंकि शहरों में वैसे ही कम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब अगर गाँव वगैरह में भी नहीं करेंगे तो कम्प्लीटली खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब सोशल स्ट्रक्चर जो है इज डिफरेंट फ्रॉम द रूरल सोशल स्ट्रक्चर इन इंग्लिश, रूरल एरिया में जो डायमेंशन है आपस में वो अच्छी होती है, किनशिप्स जो है वो एक्सटेंडेड किनशिप्स होते हैं कि सारे रहते हैं एंड फ्रेटर्निटी आर अटैच्ड टू ऑल इनहैबिटेंट्स द सेम विलेज, हर जो विलेज में जितने लोग हैं उनमें आपसी भाईचारा काफी अच्छा होता है। रिलीजन जो है इट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन लाइव्स पीपल, अर्बन सोशल स्ट्रक्चर में फॉर्मैलिटी ज्यादा है, इम्पर्सनैलिटी ऑफ द ह्यूमन रिलेशन है, इम्पर्सनल रिलेशंस है, मतलब पर्सनल रिलेशंस नहीं होते, काफी फॉर्मल रिलेशंस होते हैं। हाई डिग्री ऑफ रैशनैलिटी है कि मतलब काफी ज्यादा लॉजिकल और रैशनल, अगर काम है तो बातचीत करेंगे, अगर नहीं है तो टाइम क्यों वेस्ट करना किसी से बात करके, वो वाली थिंकिंग। अर्बन एरियाज में देयर इज जनरल डिक्लाइन इन फंक्शन ऑफ फैमिली एंड अदर ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड दे अंडरगो मेजर रीअडैप्टेशंस इन द फेस ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। अब अर्बन एरियाज में हमने देखा है जो फंक्शंस ऑफ फैमिली और बाकी ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या हो रहे हैं? वो आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन हैज लेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज, इकोनॉमिकली भी चेंज हो रही है एंड सोशली भी चेंज हो रही है। इकोनॉमिकली तो हो ही रही है क्योंकि इतना सारा जैसे आपने कहा था सिटीज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का गढ़ है वहां से चेंजेस आ रही है, एंड सोशल इज योर आपके जो इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं वो भी सारे चेंज हो रहे हैं।
काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, लाइक रैशनलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ ऑर्थोडॉक्सीज, लिबरेशन ऑफ वुमेन, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक, पता है इनको मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव फॉलआउट्स भी, इनसे क्राइम्स बढ़ जाते हैं, सोशल बॉन्ड अच्छी नहीं होती है, पर शहरों में काफी ज्यादा है, ओवरक्राउडिंग, स्लम्स आप लिख सकते हो, ओवर अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स, इनसैनिटेशन, एनोमी, एनोमी हमें पता है स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, ये भी मैंने आपको बताया है बार बार। तो एनोमी किसका कॉन्सेप्ट है, किसने डिटेल में लिखा है अनोमी को, किन थिंकर्स ने लिखा है, जो हमने पेपर ए में डिस्कस किए थे इसमें, ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट डाउन, किन थे, कौन से थिंकर्स जो है इसके साथ खासकर रिलेटेड है। तो राइजिंग क्राइम्स वगैरह कैसे, क्योंकि सिटीज में क्या होता है, स्लम वगैरह भी सिटीज में खुल जाते हैं, ठीक है, तो वहां से आपको क्राइम्स वगैरह ये सब कुछ भी देखने को मिलते हैं। अर्बनाइजेशन हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोशल रिलेशनशिप इन कम्युनिटी लिविंग, बॉन्ड उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, इम्पर्सनल, फॉर्मल, गोल ओरिएंटेड, कॉन्ट्रेक्चुअल, ट्रांजिटरी, ठीक है। विद अर्बनाइजेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में हो जाता है, प्राइमरी टू सर्विस सेक्टर हम डायरेक्टली हमने जंप किया, ठीक है, तो वहां पे जॉब्स वगैरह ये सारी चीजें चलते हैं और एग्रीकल्चर से उतने रिलेटेड नहीं होते हैं। डिविजन ऑफ लेबर ज्यादा होगा, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क जो है वो शहरों में ज्यादा होती है, ये भी हमने पेपर ए में डिटेल डिस्कस किया हुआ है। इट जनरली हेल्ड दैट कास्ट जो है रूरल फिनोमेना है, वे जो क्लास है वो एक अर्बन फिनोमेना है, तो जहां पे हम कास्ट की बात करते हैं वो हमें रूरल एरियाज में देखने को मिलता है, और जहां पे हम क्लास बेस्ड सोसाइटी की बात करते हैं वो यूजुअली करते हैं अर्बन आपके शहरों से। हाउएवर ये जो डिस्टिंक्शन है क्या ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, ऐसा जरूरी नहीं है, इस पर काफी स्टडीज भी हुई है। एक हेरोल्ड गोल्ड ने स्टडी किया था रिक्शा पुलर्स का लखनऊ में, तो उन्होंने देखा था ऑल्दो वो क्या करते हैं, जब वो इकट्ठे काम करते हैं तब उनकी कास्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन जब वापस अपने घर जाते हैं, डोमेस्टिक सेटिंग्स में जाते हैं, तो फिर से जो कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शंस वगैरह होती हैं वो फिर से वो फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब क्लास आप बोल सकते हो, जो क्लास है एंड कास्ट है ये को एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कम हो गया है शहरों में आपको कम कास्ट बेस्ड चीजें देखने को मिलेंगी, पर कहीं ना कहीं दोनों जो है साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, अच्छा कहा गया, इट इज जनरली हेल्ड कास्ट, ये हो गया, however such distinctions really do not exist, in fact caste has organized itself differently in urban settings, ab aapko caste dekhne ko milega alag form mein, democratic politics, intercaste marriages and love marriages etc fuel this fusion process, to in sab cheezon se kya ho jata hai, in cheezon ko aur zyada hawa milti hai, although caste panchayats are very weak in cities, there exists a dichotomy between workplace domestic situations and both caste and class situations coexist, theek hai, although jo caste panchayats jo hain wo cities mein aapko nahi hai, aapne sunoga panchayat पंचायत वगैरह गांव वगैरह में आप ज्यादा सुनते हैं, लेकिन वर्क प्लेस और डोमेस्टिक सिचुएशन जो है वो अलग है शहरों में भी, जैसे मैंने आपको हेरल्ड गोल्ड की एग्जांपल बताई, तो उन्होंने इस पे स्टडी भी किया है। तो अगर वर्क प्लेस में वो चाहे ना फॉलो करें इस चीज को, लेकिन अपने कहीं ना कहीं घर जाके वापस डोमेस्टिक सेटिंग में वो फिर से ये चीज जो है कास्ट वाली, इस पे अपना जो बिलीफ है उसको जिंदा रखते हैं वहां पे। तो इसीलिए बोला जाता है जो आपका कास्ट है एंड जो क्लास है ये को एग्जिस्ट करता है। रूरल एरियाज आर ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय द कल्चरल डिफ्यूजन फ्रॉम द अर्बन एरियाज, ठीक, उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि जो कल्चर है वो अर्बन एरिया से कहाँ आता है, रूरल एरिया में। श्रीनिवास आउटलाइन द जनरल इम्पैक्ट ऑफ बोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑन विलेज, उन्होंने कहा था जो एमिग्रेशन होती है इन साउथ इंडिया हैड अ कास्ट कॉम्पोनेंट एज इट वर द ब्राह्मण्स हु फर्स्ट लेफ्ट देयर विलेजेस फॉर टाउन्स एंड टुक एडवांटेज ऑफ इट, ठीक है, ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन एंड द मॉडर्न प्रोफेशंस। तो उन्होंने क्या कहा, जो एमिग्रेशन हुई थी साउथ इंडिया, देखो मतलब साउथ इंडिया से जो लोग बाहर गए थे, साउथ इंडिया मोस्टली वो लोग कहाँ पे जाते हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में गए थे वो जॉब्स वगैरह की तलाश में। तो जहाँ पे एक हमेशा के लिए याद रखो गोल्डन रूल, जहाँ पे इमिग्रेशन होता है ना, दिस मीन्स गोइंग आउट, फाइन, एंड जहाँ पे इमिग्रेशन होता है विच स्टार्ट्स विद आई, आई से याद रख लो इन, इट मीन्स कमिंग इन। अगर कहते हैं हम इमिग्रेशन तो मतलब साउथ इंडिया में आ रहे हैं लोग, अगर आई से स्टार्ट हुआ होता, सिंस इट स्टार्ट्स विद ई, ये इमिग्रेशन है, दैट मीन्स साउथ इंडिया से जो लोग गए, तो उसमें भी कास्ट कॉम्पोनेंट था, क्योंकि जो लोग पहले गए, कौन लोग पहले गए, किन लोगों ने अवेल की उस अपॉर्चुनिटी को बेटर तरीके से, वो आपके ब्राह्मण्स थे, दैट मीन जो हाई कास्ट थी। हमने कास्ट के डिस्टिंक्शन पढ़े हैं, आपको पता है ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्यन, शूद्र, ठीक है, एंड जो गए बाहर, जिनको फायदा हुआ इन चीजों का, वो कौन थे आपके, वो आपके हाई कास्ट लोग ही थे। कहीं ना कहीं
आईकास्ट वही इस चीज का फायदा उठा सकी। एंड इवन आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा फ्रीडम फाइटिंग वगैरह, वहां पे भी ऐसा ही हुआ था। जो ब्राह्मण्स थे दे वर द फर्स्ट वंस टू गेट वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। तो ये इनग्रेन था, कास्ट सिस्टम जो है चाहे वो एजुकेशन हो या कोई और चीज हो, साथ साथ हमारे चलता रहा। क्योंकि पहला पहला बेनिफिट जो है वो हर फील्ड में किसको मिला, ब्राह्मण्स को मिला। एंड जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है उनको हर चीज के लिए फाइट करना पड़ा, ठीक है। हर बेसिक चीज के लिए, जो बेसिक मिनिमम चीज है उनको मिलनी चाहिए, उनको उसके लिए फाइट करना पड़ा। ही पॉइंटेड आउट दैट इमिग्रेशन, अच्छा ये हो गया, अर्बनाइजेशन हैज अफेक्टेड द स्टेटस ऑफ वुमेन ऑल्सो। अब कैसे किया है, देखो इसको आपको दोनों चीजें मेंशन करनी होंगी। लिबरेशन हुई है लेकिन कहीं से एक बंदिश भी आ गई है। लिबरेटेड हुआ है टू सर्टन एक्सटेंट। आप जॉब करते हो, हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब कर रही है, लेकिन वाइफ से फिर एक्सपेक्ट किया जाता है जॉब करने के बाद जब वो घर आएगी तो उसको काम भी करना है। तो ऐसा नहीं है उसको आजादी इस तरीके की मिली है कि ठीक है जाओ आप भी जॉब कर लो एंड एंजॉय योर लाइफ। नहीं, उसको घर आके वही सारी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है जो वो गाँव में परफॉर्म करती थी जब वो जॉब नहीं करती थी। जो गाँव में परफॉर्म करती थी अगर वो एजुकेटेड नहीं थी, घर में रहती थी, वही सारे काम वो सिटीज में रह के भी, ऑल्दो अब इजी हो गया है मशीन वगैरह की वजह से, हर चीज के लिए आपके लिए एक मशीन है, लेकिन काम उसको ही करना है, ठीक है। बेटे से एक्सपेक्ट या हस्बैंड से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता वो घर से घर आके काम करे। तो ये दोनों चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी याद रखना, गोर एंड कपूर, अकॉर्डिंग टू गोर एंड कपूर, द पर्सनली एंड सोशली एनलाइटेंड वुमेन इज फोर्स टू परफॉर्म डुअल रोल्स। तो यहाँ पे डुअल रोल्स आप मेंशन करोगे, सोशल एंड द प्रोफेशनल रोल्स इन द अर्बन सेटिंग्स, ठीक है। तो सोशल रोल भी वो परफॉर्म कर रही हैं, वो एक प्रोफेशनल रोल भी परफॉर्म कर रही है अर्बन सेटिंग में, तो उनको डुअल रोल परफॉर्म करने पड़ते हैं। वुमेन ऑन वन हैंड हैव सेट देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स रूरल पेट्रियार्की एंड आर गेनिंग मोर राइट्स इन अर्बन सेटिंग्स ऑन वन हैंड, एंड अदर हैंड, ये दोनों पर्सपेक्टिव कि गोरे कपूर वाला और ऑर्थोडॉक्स पेट्रियार्की वाला, दोनों आपको मेंशन करने होंगे। अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट फैमिली एंड किनशिप ऑल्सो, इट हैज बीन फेल्ट इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियराइजेशन फैमिलीज एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अर्बन एरियाज एंड हाई फॉर ऑब्वियस रीजन। न्यूक्लियर फैमिलीज को प्रेफर किया जाता है क्योंकि शहरों में रह के पूरी फैमिली को सस्टेन करना इज नॉट ईजी जितना ईजी आपके रूरल एरियाज में हुआ करता था। एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अर्बन एरियाज आर हाई एंड पीपल फ्रॉम मीगर इनकम्स फेल टू सपोर्ट दियर फैमिलीज, ठीक है। किनशिप बॉन्ड जो है वो कम हो जाते हैं क्योंकि वो बात होती है ना, नजर से दूर तो दिल से दूर, तो फिर यही हो जाता है शहरों में। एज वाइडर रूरल ग्रुप्स आर लेफ्ट बिहाइंड इन विलेज टू माइग्रेशन ऑफ मेल मेंबर्स, तो पीछे कौन सी रह जाती है, ओल्डर मेंबर्स फीमेल चिल्ड्रन आर लेफ्ट हु हैव टू फेस द मल्टीपल हार्डशिप्स एंड चैलेंजेस। देर आर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑल्सो, इट इज सीन इन टर्म्स ऑफ राइजिंग इनफॉर्मल लेबर फोर्स, इंक्रीजिंग डिविजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे जो मेजोरिटी फोर्स वर्क फोर्स है एम्प्लॉयड, वो इनफॉर्मल लेबर ही है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमें अर्बनाइजेशन की वजह से देखने को मिलती हैं। मेनी ऑफ द अबो इम्पैक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन हैव नॉट बीन फाउंड ट्रू इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, व्हेन वी ऑब्जर्व द हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली इन अर्बन एरिया, द स्टडीज बाय के एम कपाड़िया एंड ए एम शाह इंडिकेट दैट देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन अर्बनाइजेशन एंड द सेपरेट न्यूक्लियर हाउस होल्ड। तो इनकी स्टडीज ने क्या कहा था, हाँ हाउस होल्ड आपके इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं बढ़ रही हैं। हाउस होल्ड इंक्रीज होने का मतलब, अगर दो भाई इकट्ठे रहते थे एक घर में, अब दो भाई के लिए दो हाउसेस हैं, दैट मीन्स हाउस होल्ड पर्सपेक्टिव से चेंज आई है। लेकिन जो बॉन्ड है, ठीक है, वो जो जॉइंटनेस है फैमिली की, वो खत्म नहीं हुई है। चाहे अगर आप सिटीज में रह रहे हो और आपके पेरेंट्स विलेज में रहे, अभी भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपने पेरेंट्स को कंसल्ट करते हो। फाइन, कोई भी सेलिब्रेशन हो, चाहे वो बच्चे का ये हेड शेविंग वाला सेलिब्रेशन हो, नामकरण वो टाइप के सेलिब्रेशन हो, या कोई फेस्टिवल्स हो, वो आप अभी भी अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे मनाते हो। तो इससे क्या पता चलता है, जॉइंटनेस खत्म नहीं हुई है, एक ये चीज है। सेकेंडली क्या होता है न्यूक्लियर हाउस होल्ड में, मैंने पहले भी आपको ये चीज बताई है कि आपको बेबी सिटिंग के लिए कोई नहीं मिलता है शहरों में। मिलते हैं लोग लेकिन वो रिलायबल नहीं होते हैं। तो दादा दादी जो है या किसी के नाना नानी है वो आ जाते हैं कपल के साथ रहने के लिए एंड बेबी का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो ज्वाइंट फैमिली है आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं इसका इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है, ना ही डिक्रीज। दिस अजम्पशन दैट द इंडियन अर्बनाइट्स लिव इन न्यूक्लियर हाउस होल्ड एंड दैट अर्बनाइजेशन लीड्स टू ब्रेकिंग ऑफ फैमिलीज जो है, इट कैन नॉट बी एडिक्वेटली सब्सटैंशिएटेड विद द सिचुएशन ऑन ग्राउंड। कोई स्टडीज बताती हैं दैट नॉट ओनली किनशिप इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन सिटीज, बट ऑल्सो देयर इज
that there is structural congruence between joint family on one hand and the requirements of the industrial and the urban life on the other. यहाँ पे वही example ले सकते हो, harmony है joint family और industrial structure में, क्योंकि industrial and urban life में क्या होता है, दोनों couples job करते हैं fine, and joint family में आप parents के साथ रह रहे हो, आप जॉब करते हो बच्चों का ध्यान रखने के लिए, आप पेरेंट्स को भी अपने साथ रख रहे हो, तो काइंड ऑफ एक हार्मनी और पीस ही है जॉइंट फैमिली और जो इंडस्ट्रियल अर्बन लाइफ का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि अर्बन लाइफ रिक्वायर्स बोथ जो मेल एंड फीमेल है दोनों काम करे, ठीक, क्योंकि खर्चा इतना ज्यादा है वो पूरा कैसे करोगे शहरों का जब तक सारे काम नहीं करोगे. स्टडीज बाय गुरिये गोर एंड राव इंडिकेट दैट कास्ट इज ऑल्सो वेरी मच अलाइव इन अर्बन एरियाज. हेरल्ड गोल्ड स्टडी ऑफ रिक्शावालाज ऑफ लखनऊ इन हिज लखनऊ रिक्शावालाज द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑक्यूपेशनल थियरी. ये मैंने आपको इनकी थियरी, इनका ये बताया, इनकी स्टडी, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे. वेन इट कम्स टू पर्सनल फैमिली मैटर्स मैरिज कास्ट आइडेंटिटीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट. वही कि जब अपनी डोमेस्टिक सेटिंग में जाते हैं तो कास्ट आइडेंटिटी इनके लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है. कास्ट सीम्स टू हैव बिकम अ बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड यूनियन लाइक एसोसिएशन एंड ऑल. कास्ट आइडेंटिटी के साथ हम ज्यादा एसोसिएट करते हैं खुद को. These unions are nothing but interest groups which promote to protect the rights and the interests of its caste members, such as the Gujarat Baniya Sabha, Jatava Mahasabha of Agra, UP, MSA Rao in his Urban Sociology in India. उन्होंने भी कुछ कहा है यहाँ पे, ये आप देख लेना, ठीक है. आर के मुखर्जी discards a strict dichotomy between rural and urban. According to him, degree of urbanization जो है is suitable concept in understanding the rural urban relations, ठीक है. तो एक strict dichotomy नहीं है, ऐसा नहीं है, एक बिल्कुल ही अलग है, rural and urban बिल्कुल ही अलग है. कुछ हमारे हमें क्या मिलेगा, एक आप बोल सकते हो डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन जो है उसको आप ले सकते हो, कि डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन कितनी है, किस एरिया में कितनी है, फाइन, कम या ज्यादा हो सकती है, रूरल में कम, अर्बन में ऑब्वियसली ज्यादा, लेकिन क्लियर कट सेपरेशन नहीं है. तो इंस्टेड आप एक ही थिंकर के कॉन्सेप्ट को बड़ा करके बोलो, यहाँ पे आप हर थिंकर का छोटा छोटा लिख सकते हो. तो आर के मुखर्जी नाम आपने देखा, MSA राव देखा आपने, हेरल्ड गोल्ड देखा है यहाँ पे, कहीं पे मिल्टन सिंगर एंड श्रीनिवास का भी थोड़ा देखा, ठीक है, एंड आपने इंपॉर्टेंट चीज KM कपाड़िया, AM शाह देख लिया, फाइन, एंड अपने गौर एंड कपूर यहाँ पे आ गया, गौर एंड कपूर ये भी देखा. तो आप क्या करोगे, हर थिंकर ने जो बोला है, गौर एंड कपूर, हर थिंकर ने जो बोला है वो थोड़ा थोड़ा आप लिख लोगे पॉइंट्स, राधर देन कि आप एक थिंकर को ज्यादा एक्सप्लेन करो, ठीक है. तो जिन लोगों ने मुझे आंसर्स भेजे हैं मैं उनको चेक करके दूंगी वापस, थोड़ा बिजी रहती हूँ इस वजह से जल्दी आपके आंसर्स जो है वो चेक नहीं हो पाते. तो आज आई गेस हम यही स्टॉप करते हैं, साथ साथ वीडियोस देखते रहो, एंड अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोस कह सकते हैं, एंड कॉमेंट सेक्शन भी आपके स्टेट को बिलोंग करते हैं. तो टिल द टाइम अपलोड न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.